हेलो दोस्तों, मैं हूं जहरुल, आपका दोस्तों होस्ट, और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2019 में किसी भी बैंक का सीएसपी ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक और वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैं बहुत ही विस्तार से मैंने बताया था कि कैसे आप 2019 में किसी भी बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूंगा उसका लिंक, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया उस वीडियो के ऊपर, बहुत सारा कॉमेंट किया, बहुत सारा क्वेश्चन किया, आज उसका आंसर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉमेंट है कि भाई IIBF का जो एग्जाम है सभी को देना पड़ेगा, तो इसका आंसर है कि हाँ भाई सभी को देना पड़ेगा। अगर आप 2019 में किसी भी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हो, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, आपको IIBF का एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी बैंक का सीएसपी ऑलरेडी आपके पास है, मतलब अगर आपके पास स्टेट बैंक का सीएसपी है या फिर किसी भी दूसरा, किसी बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर दूसरा किसी भी बैंक का सीएसपी आप रन कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं बहुत सालों से, फिर भी आपका जो IIBF का जो एग्ज़ाम है उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों लोगों के लिए ही मैंडेटरी कर दिया गया है RBI की तरफ से कि आपको IIBF का जो एग्ज़ाम है देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई IIBF का जो एग्ज़ाम है दे कैसे, ठीक है, रजिस्टर कैसे करें, सीट कैसे बुक करें या फिर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद आप कैसे पेमेंट देकर, अपना एडमिट कार्ड लेकर कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगा कि कैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ IIBF का। और दोस्तों मेरा पिछला वाला वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गलती भी किया है कि अपना जो फ़ोन नंबर या फिर पर्सनल डिटेल्स है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो भी कुछ है कमेंट में डायरेक्टली पोस्ट कर दिया है और बोला है कि भाई मुझे इस बैंक का सीएसपी लेना है, भाई मुझे उस बैंक का सीएसपी लेना है। तो इस तरह का जो हरकत आप बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का हरकत करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो देखते हैं और डायरेक्टली आपको कॉल भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई मैं आपको सीएसपी दे सकता हूँ और आपके साथ पैसे लेकर फ्रॉड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपका पैसा भी डूब सकता है और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर पर्सनल डिटेल्स है वो भी लीक हो सकता है। तो इसी तरीके का जो हरकत आप बंद कीजिए। अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो मुझे मेल के थ्रू कीजिए और मेल में लिखिए पूरी डिटेल्स के साथ कि आपको किस बात का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ भी, मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप में मैं पूरी डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आप IIBF का जो एग्जाम है उसके लिए आपने आपको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक या शेयर जरूर करना और मेरे चैनल में पहली बार आते हो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप पे हैं। तो दोस्तों मैं आज अपने लैपटॉप पर सबसे पहला जो काम करना है, आप गूगल में किसी भी ब्राउजर में ओपन कीजिए, IIBF लिख कर सर्च मारिए। सर्च मारने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं www.iibf.org.in, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद IIBF का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पर दिया हुआ IIBF का। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स है, बहुत सी चीज़ है, लेकिन आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेम्बरशिप आप ले सकते हैं, एग्ज़ाम मेंबर हो सकते हैं, एग्ज़ाम नॉन मेंबर्स भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो डायरेक्टली मेंबरशिप भी ले सकते हैं, अगर पहले से मेंबरशिप आपके पास है तो एग्ज़ाम मेंबर्स कीजिए और अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम्स नॉन मेंबर्स कीजिए, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। मैं नॉन मेंबर के ऊपर कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो काम का एग्जामिनेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंट फैसिलिटर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लिंक खुल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और आपका जो कैप्चा यहाँ पर है, यहाँ पर आप देकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार करें, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड क्लिक या टू रजिस्टर, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आपका मांगेगा, आप यहाँ पर आपका जो फर्स्ट टाइम है दे सकते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ आपको सब कुछ मांगेगा, आपका एड्रेस देना है। देने के बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए, पिन कोड सिलेक्ट कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, अपना जेंडर दीजिए, क्वालिफिकेशन दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ठीक है, प्लीज़ स्पेसिफाई। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट करेंगे तो यहाँ पर आप HSC SSC, ठीक है, उसके बाद आपका मेल आईडी दीजिए। मेल आईडी देने के बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपका फोटोग्राफ एक तो स्कैन करके आपको रखना पड़ेगा, उसको ही सिलेक्ट करके आप यहाँ पर दे सकते, सिग्नेचर भी आपको देना पड़ेगा और आपको एक आईडी प्रूफ भी लगेगा, जैसे पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर आईडी कार्ड इश्यूड बाई एम्प्लॉयर, ठीक है, ये भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। तो यहाँ पर आईडी नंबर देकर आप यहाँ पर उसको स्कैन करके सिलेक्ट कीजिए।
सिलेक्ट करने के बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फैसिलिटेस, यहाँ पर फी अमाउंट यहाँ पर अभी तक नहीं दिया क्योंकि मेरा जो फॉर्म है कोई तरीके से मैंने भरा नहीं है। यहाँ पर आप मीडिया कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 23 फरवरी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में हिंदी दे रहा हूँ, आप इंग्लिश कर सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेंटर नेम यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ कोलकाता, ठीक है। उसके बाद सेंटर कोड आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फी अमाउंट भी आ गया, 800 रुपये प्लस GST आपको लगेगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप हैंडीकैप्ट वगैरह कुछ भी है तो यहाँ पर स्क्राइब रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको फीस नहीं लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दस फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब ऑन रिक्वेस्ट इज प्रोवाइड टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी ओनली, ठीक है। तो अगर आप हैंडीकैप्ट है तो इसको ओके करके आप प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद आप अपना पूरी डिटेल्स आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको कुछ दिन पहले से आपका जो एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट दिया था लगभग 23 तारीख को, तो लगभग एक हफ्ते पहले आपको आपका जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करके आपका जो सेंटर है पूरी एडमिट कार्ड की पूरी डिटेल्स में दिया हुआ मिलेगा आपको, एडमिट कार्ड कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।